अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास एट मैथ से हेट ईयरली एग्जामिनेशन। अच्छा, इसकी सारे क्वेश्चंस, तो यहाँ 30 क्वेश्चंस होंगे और इन सब क्वेश्चंस आएंगे लेसन 1 to 20, मतलब पूरा कोर्स से। ये तो ईयरली मतलब एनुअली एग्जामिनेशन की कोर्स है ना। अच्छा, तो सब चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो ए नंबर सेक्शन में देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, यहाँ 6 क्वेश्चन होंगे और एक की मार्क 1 है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्वाइस ए नंबर इज 1 लेस देन 11, फाइंड द नंबर। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा, आपको जस्ट एक्सप्लेन करके दे दूंगा। लेट द नंबर बी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 1। तो मतलब क्या है, एक नंबर है जिसकी डबल है, ट्वाइस मतलब डबल मतलब दिगुना, जिसकी दुगुना बराबर होगी 11 माइनस 1। देखिए 1 लेस देन 11, तो 11 माइनस 1 मतलब 1 लेस देन 11। तो ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई, ट्वाइस इज इक्वल 11 माइनस 1। तो एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 1 10 है, तो एक्स की कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से 10 को डिवाइड देने से 5 आएगा। तो यानी कि द रिक्वायर्ड नंबर इज 5, तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 1 और 5 व्हेन अ डाई इज रोल्ड। तो जब एक डाई रोल की जाती है ना, तो या तो 1 या तो 5 आने की चांस क्या है। तो देखिए 1 आने की चांस एक बार है, 5 आने की चांस भी एक बार है। एक डाइस में तो 6 फेसेस होते हैं ना, तो इनमें 1 to 6 होते हैं और हर एक की चांस एक एक है। तो यहाँ 1 आने से भी होगी, 5 आने से भी होगी, तो मतलब यहाँ दोनों आने की दो चांसेस हैं। और टोटल चांस कितने हैं, 6 है, 6 है, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 1 और 5 इज 2/6 और 1/3। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ 45, 52, 63 and 36। तो एरिथमेटिक मीन कुछ नहीं, एवरेज है। तो इन चारों नंबर्स की एवरेज, मतलब चारों नंबर को ऐड कर देना, और जबकि नंबर 4 है तो 4 से डिवाइड देना। तो 196/4 इज इक्वल टू 49। तो इनकी एवरेज यानी कि एरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्टकट एम कहते हैं, 49 आ रही। 4 नंबर देखिए, इफ 4 नोटबुक्स कॉस्ट रुपीज 80, हाउ मच डू 7 नोटबुक्स कॉस्ट। तो देखिए विदाउट पेन पेपर पहले आप दिमाग से इसकी कैलकुलेट कर लीजिए, 4 नोटबुक की कीमत 80 रुपये, तो 7 की क्या होगी। तो देखिए 4 की कीमत 80 है, तो 1 की कीमत 20 रुपये होंगी, तो 20 के साथ 7 इंटू कर दीजिए, क्योंकि 7 नोटबुक्स की कॉस्ट चाहिए ना, तो 140 होगी, 140 रुपीज़ होगी। ये तो ईजी है, तो यहाँ भी देख लीजिए, देखिए कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स इज रुपीज़ 80/4 इज इक्वल इंटू 7 इज इक्वल टू रुपीज़ 140। ये यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लंबा होगा। 5 नंबर देखिए, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला है ना, स्क्वायर माइनस 2ab + b². तो यहाँ देखिए एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए की जगह में एक्स और बी की जगह में 1 है, तो 2 x (x)(1) + b², तो बी की जगह में 1 है तो 1² तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2 x (x)(1) (2x) और 1² मतलब 1, तो 2x + 1। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रेंट ऑफ द सर्टेन प्लेन डज द पॉइंट -2, 4 लाई। तो कौन सी क्वाड्रेंट में एक पॉइंट -2, 4 ये लाई करेगी। देखिए एक क्वाड्रेंट, एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये एक क्वाड्रेंट, यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ देखिए एक्स इस साइड में आना है ना, तो ये साइड एक्स की नेगेटिव है, तो लेकिन वाई ऊपर है तो वो पॉजिटिव है, मतलब माइनस पहले नंबर एक्स की कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो द पॉइंट -2, 4 लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, शॉर्टकट आंसर 1 मार्क है ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सेक्शन बी की है और एक की 2 मार्क्स है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मल्टीप्लाई 2/7 बाई दी रेसिप्रोकल ऑफ -4/7, गिव द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए इसकी रेसिप्रोकल के साथ 2/7 मल्टीप्लाई करना, तो पहले रेसिप्रोकल क्या होता है, देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ 4/-4/7 इज -7/4। ठीक है, तो मतलब इसकी उल्टा होगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी ना। रेसिप्रोकल की और एक नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए -4/7 मतलब 7 डिनोमिनेटर है, अब न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर में हो जाएगी, और 4 जो है ना,
फोर न्यूमेटर में आप डिनोमिनेटर बन जाएंगे, तो माइनस सेवन बाई फोर हुआ। देखिए माइनस साइन जैसा वैसा रह जाएंगे। ठीक, आप देखिए इसके साथ टू बाई सेवन मल्टीप्लाई करना, तो देयर फोर टू बाई सेवन इंटू माइनस सेवन बाई फोर, टू से टू टू फोर टू जर फोर, सेवन से सेवन कट जाएगा, तो ऊपर देखिए वन है और ये माइनस साइन रह जाएगी भाई, तो माइनस वन बाई टू होगी। ठीक है, अब नंबर एट देखिए, राइट फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस थ्री बाई इलेवन एंड टू बाई इलेवन, तो माइनस थ्री बाई इलेवन और टू बाई इलेवन के बीच में चार रेशनल नंबर्स चाहिए, तो ये सब आपने चैप्टर्स में सीख चुके ना, तो देयरफॉर फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस थ्री बाई इलेवन एंड टू बाई इलेवन आर, तो देखिए माइनस थ्री बाई इलेवन, नीचे देखिए इलेवन इलेवन सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, आप न्यूमिनेटर देखना कि माइनस थ्री और टू के बीच में चार होगी कि नहीं, तो देखिए माइनस थ्री के थ्री से बड़ा ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर क्योंकि ये निगेटिव है, माइनस थ्री से बड़ा माइनस टू है, इसके बाद माइनस वन है, इसके बाद जीरो है, इसके बाद वन है, तो यहाँ टू तक नहीं जा सकते ना, इन दोनों के बीच होना चाहिए, और यहाँ माइनस थ्री भी नहीं ले सकते क्योंकि माइनस थ्री भी लिमिट में है, यहाँ इन चार चार इंटीजर्स है, आप देखिए इनके नीचे इलेवन पुट कीजिए, ठीक है, एज ए डिनोमिनेटर, तो ये रेशनल नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस थ्री बाई इलेवन और टू बाई इलेवन के बीच ये चार है, माइनस टू बाई इलेवन, माइनस वन बाई इलेवन, जीरो बाई इलेवन, अच्छा जीरो बाई इलेवन को आप जीरो भी लिख सकते हैं क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड देने से जीरो होगी, अच्छा और लास्ट में वन बाई इलेवन। ठीक है, तो ये होते हैं चार रेशनल नंबर्स। ठीक, बहुत ईजी है। अब नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटीज, तो बहुत ईजी है, इसको आइडेंटिटी यूज करके इवेल्युएट करना, 85 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में है ना, तो देखिए 85 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी इंटू माइनस बी मतलब 85 प्लस 15 इंटू 85 माइनस 15, तो 85 प्लस 15 100 और 85 माइनस 15 70, तो 100 टू 77,000 बस। अब टेन नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू 3x प्लस 2 क्रॉस द वाई एक्सिस, तो देखिए वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करेगी ग्राफ, तो यहाँ एक चीज़ देखिए, देखिए एक्चुअली यहाँ क्या हो रही है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो एक ग्राफ अगर यहाँ क्रॉस करे, वाई एक्सिस को क्रॉस करने को कहा ना, मान के चलिए इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, ये तो वाई एक्सिस है ना, अब देखिए इस वाई एक्सिस को जो भी लाइन कट करेगी क्रॉस करेगी, तो यहाँ एक्स ना इधर जा रही है ना इधर, ना लेफ्ट ना राइट एक्स जा रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगी। ठीक है, और कितने यूनिट में वाई एक्सिस को काट कर रही है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट वही होगी, तो आपने समझ लिए। देखिए इफ ए लाइन क्रॉस द वाई एक्सिस एट एनी पॉइंट द एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए इक्वेशन देखिए, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है ना, तो आप देखिए एक्स की वैल्यू तो हमें जीरो पता चल गई ना, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गई। आप देखिए ये जो इक्वेशन है, पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो इन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो x की जगह में जीरो पुट कर लीजिए तो y की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। अच्छा, पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो इन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, वी गेट y इज इक्वल टू 3 इंटू जीरो प्लस 2, 3 इंटू जीरो जीरो है, जीरो प्लस 2 इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या हो रही है, 2 हो रही है, मतलब यहाँ देखिए ये 2 यूनिट में है, 1 2, ऐसे ही मान लीजिए एक्स तो ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है ना, तो एक्स जीरो होगी। तो एक्चुअली क्या हो रही है, यहाँ वाई एक्सिस को ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की ग्राफ 0.2 पॉइंट पे काट करेगी। ठीक है, तो द ग्राफ विल क्रॉस वाई एक्सिस एट 0.2, बहुत सिंपल है भाई। आप 11 नंबर देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3.2 एंड 8.2, तो दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है, यह आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3.2 एंड 8.2 इज, तो देखिए डिस्टेंस इनमें से किसी को वन मानिए और किसी को टू माने, तो हमने इसको वन माने इसको टू माने, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, इसको अगर एक्स वन माना जाए और इसको एक्स टू माना जाए, इसको अगर वाई वन माना जाए और इसको अगर वाई टू माना जाए, तो फॉर्मूला ऐसे होगी अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूला की फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की फॉर्मूला,
तो एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, या फिर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स वन माइनस एक्स टू, तो एक्स वन एट है, एक्स टू थ्री है, तो एट माइनस थ्री होल स्क्वायर मतलब फाइव स्क्वायर, और टू माइनस टू वाई वन माइनस वाई टू दोनों ही सेम है ना, तो टू माइनस टू जीरो है, तो फाइव स्क्वायर एक्चुअली अंडर फाइव स्क्वायर, तो फाइव स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव, तो देयर फोर फाइव यूनिट्स है। तो मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच फाइव यूनिट्स डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा आप ट्वेल्व नंबर देखिए, राइट 4258 इन जनरलाइज्ड फॉर्म, बहुत सिंपल है, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में। तो देखिए 4258 इज इक्वल टू, ये देखिए यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड, फोर ये डिजिट 1000 की प्लेस में है, तो 4 इंटू 1000 प्लस टू ये 100 की प्लेस, तो 2 इंटू 100, फाइव ये टेंस की प्लेस, तो 5 इंटू 10, एट ये वंस की प्लेस, तो 8 है, या फिर 8 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो ये है इसकी एक्सपांडेड फॉर्म या फिर जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है भाई। आप देखिए 13 नंबर सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है, देखिए ये थ्री मार्क की क्वेश्चन है, यहाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं सेक्शन सी में। क्वेश्चन ये है, विल्सन्स मदर इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिम, फाइव ईयर्स एगो शी वॉज फोर टाइम्स एज ओल्ड एज विल्सन वॉज देन, फाइंड देयर परसेंटेज। तो देखिए फिलहाल विल्सन की जो एज है इनकी माँ की एज इनकी तीन गुना है, और पाँच साल बाद चार गुना हो जाएगी, मतलब विल्सन की मदर की माता की उम्र विल्सन के चार गुना हो जाएगी। तो फिलहाल दोनों की एजेस क्या होंगे, बहुत सिंपल है, लेट विल्सन प्रेजेंट एज बी एक्स, अगर विल्सन की प्रेजेंट एज हमें पता चल गई तो इनके माँ की भी प्रेजेंट एज हम पता कर लेंगे, क्योंकि विल्सन की एज को तीन गुना कर देंगे, माँ की एज हम निकाल लेंगे। तो लेट द विल्सन प्रेजेंट एज बी एक्स, विल्सन की एक्स लेट के अननोन नंबर, तो देयर फॉर हिज मदर्स प्रेजेंट एज बी थ्री एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए पाँच साल पहले, पाँच साल अच्छा सॉरी यहाँ क्वेश्चन में कहा फोर टाइम्स शी वॉज फाइव ईयर्स एगो, यहाँ फाइव ईयर्स एगो कहा, तो पाँच साल पहले विल्सन की माँ की एज विल्सन की चार गुना हो जाए थी, विल्सन की चार गुना थी। तो पाँच साल पहले क्या है, आप जितनी एज है ना उम्र है इससे पाँच साल माइनस कर देना, तो पाँच साल पहले हम जाएंगे। तो अगर विल्सन की वर्तमान एज एक्स है तो पाँच साल पहले एक्स माइनस फाइव होगी, और माँ की वर्तमान एज अगर थ्री एक्स है तो पाँच साल पहले थ्री एक्स माइनस फाइव होगी। अब एक चीज़ देखिए, पाँच साल पहले चार गुना थी ना माँ की एज विल्सन की चार गुना थी, तो एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव, इससे हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी दोनों एक्सप्रेशन से। तो इक्वल साइन, आप देखिए इक्वल साइन का मतलब दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो अगर फोर हटा ली जाए ना, तो पाँच साल पहले विल्सन की एज, ये है पाँच साल पहले माँ की एज, तो देखिए आप तो बराबर नहीं हो रही है क्योंकि इसकी चार गुना है इस साइड, तो मतलब इस साइड साइड को अगर चार गुना कर देंगे हम तो बराबर हो जाएगी, समीकरण बन जाएगी। तो देखिए फोर इंटू एक्स फोर एक्स माइनस फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, थ्री एक्स माइनस फाइव है, तो देखिए x इज इक्वल टू 15 है, कैसे देखिए ये वेरिएबल टर्म ये भी वेरिएबल टर्म, तो वेरिएबल टर्म्स लेफ्ट साइड में, तो 3x को इस साइड में लाने से माइनस होगी, तो 4x एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स, अच्छा माइनस 20 इस साइड में लाना राइट साइड में, तो राइट साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव बन जाएगा ना प्लस 20 होगी, तो राइट साइड में ऑलरेडी माइनस फाइव है, तो 20 माइनस फाइव 15 है, तो मतलब x इज इक्वल टू 15, तो x क्या है विल्सन की वर्तमान एज है ना, तो मतलब विल्सन्स प्रेजेंट एज इज 15 ईयर्स, और माँ की प्रेजेंट एज क्या होगी, देखिए विल्सन की तीन गुना है यहाँ क्वेश्चन में कह रही है, तो एंड मदर्स एज इज 3 इंटू 15 यानी कि 45 ईयर्स, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5450 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये जो नंबर है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटी नंबर ऐड करनी पड़ेगी, तो बहुत सिंपल है यार। तो यहाँ देखिए पहले इसको हम एक काम करेंगे,
लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इसकी एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगी ना, कुछ नंबर तो ऐड करनी पड़ेगी। तो देखिए दो ग्रुप्स बनाना, यहाँ नंबर क्या है 5450, तो दो दो डिजिट्स लेके दो ग्रुप्स बनाना, राइट साइड से बना के आना। तो 50 पहले ग्रुप में 54 है, आप देखिए 54 के छोटा होना चाहिए, सबसे करीब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 है, तो इसकी स्क्वायर रूट 7 है, तो 7 × 7 49, 54 माइनस 49 5 है। इसकी रूल आपको पता है ना, ये मैंने बहुत अच्छे ढंग से चैप्टर में समझाया, अगर आपने नहीं समझी ना तो प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर के वीडियोस देख लीजिए, एक्सरसाइजेस के सब प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है। अच्छा आप देखिए 54 माइनस 49 5 है, आप इस 50 को डाउन कर लेना, आप देखिए ये जो 7 है इसको डबल करना, 2 7 14। अब यहाँ कौन सी नंबर लाने से, देखिए यहाँ भी वो नंबर लाना होगा, और आप जो नई नंबर बनेगी ना इस नंबर से इसको इंटू करने से 550 आएगी, या फिर थोड़ा सा कम इसकी नियरेस्ट छोटा नंबर आएगी, तो यहाँ 3 है, देखिए 4 लाने से ज़्यादा हो जाएगी, 550 से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 3 लाना पड़ा, तो 3 यहाँ 3 लाने से 143 हुआ, तो यहाँ भी 3 लिखना और इस 3 से इसको इंटू करना, तो 429 आया। आप देखिए कुछ तो बच गई ना, 550 माइनस 429 इक्वल टू 121, तो मतलब क्या है 121 ये अब लास्ट स्टेज में है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ 73 आया क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है 73 के स्क्वायर जो होगी ना ये इससे थोड़ा सा छोटा होगी, लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ऐड करके करने से, थोड़ा सा ऐड करने से सबसे छोटी किसी एक नंबर को, तो वो कौन सी नंबर होगी, तो देखिए 73 के स्क्वायर जो होगी ना इसकी स्क्वायर रूट देखिए 73 से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर है, तो मतलब क्या है कि साथ जब किसी नंबर हम ऐड करेंगे, सबसे छोटी कोई नंबर ऐड करेंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगी ना, तो इसकी स्क्वायर रूट 73 प्लस 1 74 होगी, ठीक है। तो एक काम करना 74 स्क्वायर रूट होगी ना, मतलब वो जो नंबर होगा वो 74 के स्क्वायर होगी, तो अगर 74 के स्क्वायर है तो एक काम करना 74 के स्क्वायर से इस नंबर को माइनस कर देना, तो जो डिफरेंस आएगी वही आपके आंसर होगी, मतलब लिस्ट नंबर होगी। तो यहाँ देखिए दी रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर टू बी एडेड इज 73 प्लस 1, मतलब 73 के प्लस 1 की 1 ऐड की होल स्क्वायर माइनस 5450, मतलब ये नंबर, ये तो अभी तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो 74 स्क्वायर माइनस 5450, 74 को स्क्वायर करने से 5476 आया, तो 5476 माइनस 5450 इज इक्वल टू 26, मतलब के वो जो सबसे छोटी नंबर ऐड करनी पड़ेगी वो 26 है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा आप नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4096 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 4096 की स्क्वायर रूट निकालना, तो बहुत सिंपल है यार, देखिए ये क्यूब रूट साइन है, तो 4096 इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना, मतलब प्राइम फैक्टर से प्राइम नंबर से डिवाइड देके आना, तो यहाँ देखिए ये जब इवन नंबर है तो हम 2 से पहले स्टार्ट किए, तो आप देखिए 2 से स्टार्ट करके एन भी 2 पर हुआ, तो मतलब क्या है यहाँ इसके सब के सब प्राइम फैक्टर्स 2 ही हैं, तो यहाँ देखिए जबकि क्यूब रूट है ना तो सेम प्राइम फैक्टर 3 को लेना और 3 में से एक लेना, तो 3 2 से 1 ग्रुप, यहाँ भी 3 2 से 1 ग्रुप, यहाँ भी 3 2 से 1 ग्रुप, तो हर एक ग्रुप में से एक एक लेना, तो 4 ग्रुप्स है 2 की, तो 2 4 2 लेना, तो 2 × 2 × 2 16 है, तो मतलब 16 की क्यूब है ये, यानी कि इसकी क्यूब रूट 16 है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इफ द सेलर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट। तो किसी एक चीज़ की सामान की मार्क्ड प्राइस, मतलब जो लेबल प्राइस होते हैं, मार्क की गई ना लेबल पे जो प्राइस प्रिंट की गई, प्रिंटेड प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस की 25% ज़्यादा है, अगर सेलर ने 10% डिस्काउंट देती है तो सेलर की प्रॉफिट क्या होगी इसको बेचने में, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने बहुत सारे सॉल्व किए। तो यहाँ देखिए लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, अब हमने कॉस्ट प्राइस एक्स लेट की, तो कॉस्ट प्राइस हम 100 लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, मतलब आंसर निकल सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है तो मार्केट प्राइस क्या होगी, तो देखिए मार्केट प्राइस
एक्चुअली कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है, तो मतलब एक्चुअल प्राइस कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की 25% क्या है, 4x एक्स बाई फाइव है, सॉरी 4x बाई फाइव है ठीक है। तो x के साथ 4x बाई फाइव एड करने से 5x बाई फोर हो गया, तो ये क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। आप इसी ही प्राइस पर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं सेलर ने, तो 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ये तो मार्क प्राइस पे ना, तो इसकी 10% निकाल लीजिए, तो इसकी 10% एक्स बाई एट है, 10% ना मतलब 10/100, तो इसकी है ना, तो इंटू 5x बाई फोर, तो x बाई एट है, तो ठीक है। तो आप ये आप देखिए सेल प्राइस क्या होगी, ये तो मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस आया भाई। आप देखिए डिस्काउंट माइनस कर दी तो ये सेल प्राइस हो जाएगी, डिस्काउंट जो होता है ना इसको माइनस करने से सेल प्राइस आ जाएगी, किससे माइनस करने से, मार्क प्राइस से। तो मार्क प्राइस ये है और डिस्काउंट ये है, तो इससे ये माइनस कर दीजिए तो 9x बाई 8 जो होगी ना वो सेल प्राइस होगी। आप देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस x है और यहाँ सेल प्राइस ये आया अल्टीमेटली, ठीक है। तो एस पी मतलब सेल प्राइस और सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस तो ज़्यादा होगी ना, तो सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देना, तो 9x माइनस 8 9x बाई 8 माइनस एक्स, तो एक्स बाई 8 हुआ, ठीक है। अच्छा तो ये आप प्रॉफिट आया, ये क्या है, प्रॉफिट आया भाई, ये प्रॉफिट है, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट, आप परसेंट लगाना, तो प्रॉफिट पर या लॉस परसेंट किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये जब के प्रॉफिट है तो इसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड देना, कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल हमने x सेलेक्ट की थी ना, तो इसको x से डिवाइड देना मतलब 1/x से इंटू करना, आप फिर से 100 से इंटू करना क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, तो x बाई 8 इंटू 1/x इंटू 100 इज इक्वल टू 12.5%। यार बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड के इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x माइनस 6x प्लस के, तो k की वैल्यू चाहिए जबकि x माइनस 2 ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k की एक फैक्टर हो गए। तो देखिए सिंस x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k, देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। मतलब क्या है, ये जो x माइनस 2, अगर ये जो एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k, इसकी एक फैक्टर है, ठीक है। तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड देने से क्वेश्चन रिमाइंडर 0 आएगी, रिमाइंडर 0 आएगी ना, तो x माइनस 2 से डिवाइड देना मतलब क्या है, इससे एक इक्वेशन बनाना, ठीक है, और इससे भी एक इक्वेशन बनाना, मतलब क्या है, इन दोनों से दो इक्वेशंस बनाना। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज x की वैल्यू 2 है। अब देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू इन 2x माइनस 6x प्लस के, अब ये जो इक्वेशन है ना इस पर x की वैल्यू 2 पुट करना तो k के वैल्यू निकल जाएगा, और इसको इसकी इक्वेशन बन, इसकी इससे इक्वेशन बनाना मतलब 0 के साथ इक्वेट कर देना। तो यहाँ देखिए टू इन इक्वेशन इन, अच्छा k इज इक्वल टू 0 है, यहाँ 0 पुट करना, ठीक है। अब हो गई वी गेट 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो x की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस के। अच्छा आप देखिए 2 स्क्वायर 4 और 2 4 8 है, 2 6 12 है, माइनस 12 है, यहाँ माइनस साइन है, तो 8 माइनस 12 प्लस के इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू चाहिए ना, तो k को अपनी जगह पे रहने देना क्योंकि k की वैल्यू निकलेगी। तो 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 4 है, k को इस साइड में रखना, 4 को राइट साइड में ट्रांसपोज करने से प्लस होगी, मतलब k के वैल्यू 4 है, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 4। आप देखिए k के वैल्यू 4, ये जो इक्वेशन है इस पर पुट करके देखना 0 मिलेगी, तो मतलब k की वैल्यू क्या है, 4 है। अच्छा अब नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द 3 व्यूज ऑफ द अरेंजमेंट शोन, तो ये जो फिगर है 3D फिगर, इसकी तीनों व्यूज कैसे होंगे, मतलब ये टॉप व्यूज है ऊपर की, ये फ्रंट व्यू इस साइड से और ये साइड व्यू इस साइड से, ठीक है। तो यहाँ देखिए टॉप व्यू ये है, साइड व्यू ये है और फ्रंट व्यू ये है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ 21 वर्कर्स कैन फिनिश ए जॉब इन 12 डेज, हाउ मेनी वर्कर्स शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश इन इट इन 7 डेज। तो अगर देखिए 12 दिन में समाप्त करने के लिए 21
वर्कर्स चाहिए, मजदूर चाहिए, तो वही काम 7 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर चाहिए होंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है भाई, ये इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व करके रखा, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व कर दी, बहुत शॉर्टकट सॉल्व कर दी। देखिए मार्क भी कम है इसलिए शॉर्टकट सॉल्व कर दी, अगर डिटेल्स प्रोसेस में जाना है तो थोड़ा सा मेथड में जाने से लंबा हो जाएगा। तो देखिए, नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड टू फिनिश द वर्क इन 7 डेज इज डायरेक्ट 12 × 21 / 7 = 36, मतलब 36 लेबर चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व कर दें। ठीक है, अगर आप चाहें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करें, तो इनवर्स वेरिएशन की जो एक्सरसाइज है, मतलब लगता है 17.3 होगी या फिर 17.2 होगी, मैंने सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और यहाँ डिटेल समझाया, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे ढंग से समझा दी, तो इन सब वीडियोज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिविडेंड इफ द डिविजर इज x माइनस 2, क्वेश्चन इज 2x + 5 एंड द रिमाइंडर इज 1। तो देखिए यहाँ डिविजर दी गई है x माइनस 2, क्वेश्चन 2x + 5 और रिमाइंडर है, तो डिविडेंड चाहिए। तो बहुत सिंपल है भाई, डिविडेंड निकालना बहुत आसान है। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड चाहिए, डिविजर जो दी गई है और क्वोशेंट इंटू कर देना और जो रिमाइंडर होगा वो इसके साथ प्लस कर देना, बस डिविडेंड निकल जाएगी। तो देखिए द डिविडेंड इज x माइनस 1 ये है डिविजर, 2x + 5 ये है क्वोशेंट और 1 रिमाइंडर है, तो इन दोनों को ऐड करना, इंटू करना और 1 ऐड कर देना, तो 2x² + 3x - 4 आएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, वेरीफाई द यूलर्स रिलेशन फॉर 1³/2 पेंटागोनल पिरामिड। 3 मार्क के क्वेश्चन है, जितने हो सके शॉर्टकट कर देना। तो यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना, 1 नंबर क्यूबर्ड की केस में और 2 नंबर पेंटागोनल पिरामिड की केस में। तो यहाँ देखिए, एक क्यूबर्ड, फॉर ए क्यूबर्ड एफ इज इक्वल टू 16, मतलब कि एक क्यूबर्ड के फेस कितने फेसेस होते हैं, 6, एजेस साइज कितने होते हैं, 12 होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो देयरफॉर ए प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 6 + 8 - 12 = 2। एक्चुअली क्या हो रही है, यूलर्स फॉर्मूला मतलब क्या है, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2 होगी हमेशा। तो देखिए, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस, तो फेस कितने हैं, 6 है, वर्टिसेस कितने हैं, 8 है और एजेस 12 है, तो 6 + 8 = 14, 14 - 12 = 2, अल्टीमेटली 2 आ रही है ना, तो ये हैंस यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। ठीक है, फॉर ए पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड के केस में फेस, पेंटागोनल फेस, एक तो बेस होते हैं पिरामिड की, बेस एक होते हैं और 6 ट्रायंगुलर साइड्स होते हैं। ठीक है, तो फेस टोटल 5 साइड्स होते हैं, तो बेस एक और चारों तरफ और 5 साइड्स हैं पेंटागोनल, तो 5 साइड्स होंगे, तो 5 + 1 = 6 फेस, एजेस 10 है, नीचे देखिए बेस में 5 एजेस है और साइड में और 5 = 10, वर्टिसेस 6 है, नीचे 5 है और ऊपर टॉप में 1 है, तो टोटल 6 है। तो देखिए, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस, तो फेस 6, वर्टिसेस 6, 6 + 6 = 12, एजेस 10 है, तो 12 - 10 = 2 है, तो हैंस यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। इजी है भाई, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस 1/x = 10 फाइंड x² + 1/x², तो इस टाइप के काफ़ी प्रॉब्लम हमने चैप्टर 18 में सॉल्व किए। तो देखिए, गिवन x + 1/x = 12, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट इसको स्क्वायर करके निकल सकते हो, दूसरे और एक तरीके हैं, इस दूसरे जो तरीके हैं ना, ये मैंने चैप्टर की एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम डिटेल्स जिक्र की। तो देखिए, दोनों को स्क्वायर करना, मतलब ये जो है ना, इसको ऐसे स्क्वायर करना, x + 1/x² = राइट साइड 12, यहाँ 12 नहीं, सॉरी यहाँ 10 है, गलती से मैंने 12 लिख दी थी, अच्छा तो स्क्वायरिंग 32 साइज ब्रैकेट में लिखी। ठीक है, तो 10² = 100 है, अच्छा तो इसको स्क्वायर करना, मतलब x² + 2ab, a + b² ना, तो x² + 2ab + b², तो एक ही जगह में x है, तो 2ab की जगह में 1/x है, प्लस b² तो 1/x² ठीक है,
तो देखिए यहाँ एक्स एक्स कट जाएंगे, सिर्फ 2 × 1 2 बच जाएगी, ठीक है। अच्छा तो इस 2 को लास्ट में लिखा और इसको पहले लिख के इसके बाद लिख के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 1 को स्क्वायर करने से देखिए 1 ही होगी, तो एक्चुअली 1/x² ही रेस्ट जाएगी, ठीक ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजिकल टू प्लस 2 इजिकल टू 100, तो एक्स प्लस सॉरी यहाँ स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजिकल टू लेफ्ट साइड में ये कॉन्स्टेंट 2 है, इसको राइट साइड में लाया जाए तो माइनस हो गई, तो 100 माइनस 2 98 है, ठीक है।